को सब्सक्राइब करें ताकि एनी टाइम वो वीडियोस आप देख सकें, जान सकें कि कैसे प्राचीन साइंस हमारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं। राइट मैं 2 महीने के लिए, जैसे आपको बताया था क्रोनोलॉजी के कोर्स के बाद आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, फिर 2 महीने के बाद वापस आके मैंने बैकलॉग खत्म किया, तो ये कोर्स मुझे वहां पे दिसंबर में भी दिखा था आपका ये वाला, तो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया का टाइम तो मैच नहीं कर रहा था, तो आई थॉट मैं वेट कर रही थी कि आपका ये कोर्स वापस आ रहा, और मैंने फटाफट मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। मैं पहले बताना चाहूंगी मैं मैम की बहुत पुरानी स्टूडेंट हूँ, और मैं और आप लोग सब बहुत ब्लेस्ड हैं जो आप मैम के साथ ज्वाइन किया आपने। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा, ना टाइमिंग्स का प्रॉब्लम होएगा, ना पीडीएफ्स का, ना कोई मनी इश्यू होएगा, क्योंकि आप मैम को एक प्रॉब्लम बताएंगे वो आपको 4 सॉल्यूशंस दे देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने मैम के साथ मेडिकल क्रोनोलॉजी, मोबाइल क्रोनोलॉजी और सॉरी मेडिकल कोर्स और क्रोनोलॉजी पूरा फुल फ्लेज किया है। जितनी बार मैम ने बोला उतनी बार मैंने ज्वाइन किया। मैंने उनको बोला ये मेरी क्लास मिस है, उन्होंने मुझे उतनी बार क्लासेस दिया, तो ये एक ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई इश्यू होने नहीं वाला है। कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हुआ, मैम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक और नए उसी सेम कोर्स में डाल देगी, आपको दोबारा पे भी नहीं करना पड़ेगा। ये प्लेटफॉर्म मैंने ऐसा जो सिस्टम है ये मैंने कहीं और नहीं देखा है। तो मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी कि मैम मुझे एक बार बात करने का मौका मिल जाए, तो 2-3 महीने हो गए मेरी मैम से बात किए हुए। लास्ट ईयर बात हुआ था जाने से पहले, जब मैंने उनके कहने पे नाम चेंज किया था, और ये अभी गलत नाम दिखा रहा है मेरा, जो मैं अब मैम के क्रोनोलॉजी के कोर्स के बाद नाम यूज कर रही हूँ, दैट इज एस दामिनी विदाउट एनी फुल स्टॉप। और आप मानेंगे नहीं, उस एस दामिनी को चेंज करने के बाद जो मेरा वीजा लगा, दैट आई गॉट इन 1 डे, ऑस्ट्रेलिया का वीजा 1 डे में नहीं लगता है। और मैं 2 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गई हूँ, और उसके बाद मुझे वहां पर क्लाइंट्स मिले हैं क्रोनोलॉजी की। मैं ये मैम को पहली बार बता रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया में मुझे उसके क्लाइंट्स मिले हैं, क्योंकि उसका जो नंबर था उसमें से एक 16 है जो अब्रॉड का नंबर है, अब्रॉड से कनेक्शन का नंबर है, दैट टू आई गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैम, ये आपको क्रोनोलॉजी में पता चलेगा। और उसके बाद मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही है, और मेरा सक्सेस चार्ट भी बहुत अच्छा रहा है। जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे वो भी अब मुझे जानते हैं, और पता नहीं कहाँ से आदत है कि आप मेरा नाम सेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मैं मैम का तो पीछा नहीं छोड़ रही हूँ। तो मुझे जो लोग मैम के कोर्सेस मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से बहुत अच्छे लगते हैं, मैं मैम को ज्वाइन कर लेती हूँ। ये मैम जानती हैं कि हमेशा कुछ होता है, और वेबिनार जो है वो अटेंड कर पाती हूँ, क्योंकि मैम को पता है 5:30 मुझे सूट नहीं करता है। तो आई एम थैंकफुल टू हर कि ये 9 बजे का कोर्स मुझे मिल गया, और मैं इस पे फटाफट आके बैठ गई हूँ कि 9 बजे है तो ज्वाइन कर लो बेटा, कोर्स स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि मैम की एक एक मिनट की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो मैम बोले उसको बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपको आउट ऑफ द कोर्स भी मटेरियल बहुत मिलेगा। जो मैम पढ़ाती हैं उसके अलावा भी वो बहुत देती हैं विदाउट चार्जिंग एनी एक्स्ट्रा मनी। अभी आप ये 5 दिन के कोर्स में देखिएगा, वो बिल्कुल मना नहीं करती हैं। इस कोर्स के अलावा भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आई एम थैंकफुल मैम कि आपने मुझे ज्वाइन किया वापस, और आप लोग भी सच्ची में एंजॉय भी करेंगे, और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी मैम के साथ। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, एंड सो हैप्पी टू सी कि आप राइज कर रहे हो, कीप राइजिंग। यस मैम, आई एम ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ अटैच हो सकी। जहाँ से पहले कोर्सेज कर रहे थे वो आप जानते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, और बट ये है कि भी प्रोग्रेस करना है तो यू नीड न्यू पीपल, न्यू अपग्रेड, हाँ जी अपग्रेड करना है। तो जैसे आपका है न्यू वर्जन, हम लोगों में कनेक्ट करते हैं तो वो सच्ची में आता है न्यू वर्जन लोगों का, ऐसी बात नहीं है। मैम जानती है मैं उनको प्लेटफॉर्म पे हमेशा बोलती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बटरिंग वर्ड यूज कर रही हूँ, ये मेरा पर्सनल है मैम के साथ, शी नोस। मैंने 2 बार क्रोनोलॉजी किया है, पेमेंट 1 बार किया है, मैं आपको फिर बता दूं, मैम ने मुझे 1 बार इतना नहीं किया, दोबारा क्यों आ रहे हैं, तो मैम मनी माइंडेड भी नहीं है। आप उनके साथ रह के देखिए, आपको पता चलेगा। बाकी प्लेटफॉर्म पे बहुत मनी माइंडेड लोग हैं, बहुत रूड बोलते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है बिल्कुल भी। बहुत फ्री कॉन्सेप्ट रहता है, टीचर स्टूडेंट एक मेंटोर एक वेलविशर वाला भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। आप जोक्स कीजिए, गप्पे मारिए, मैम आपको बिल्कुल डांटेंगे नहीं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। जैसे कि देख पा रहे होंगे प्लेटफॉर्म के बारे में, कोर्स के बारे में, मैम के बारे में कितना कुछ दामिनी जी ने बताया, और उसके बाद और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। सो आइए विदाउट मच एडू स्वागत करते हैं साइरम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म की ओर से जो स्टूडेंट्स अपना फीडबैक दे रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, और इसके जो सूत्रधार हैं, द वेरी निडोन एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट, द क्रोनोलॉजी एक्सपर्ट, रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का गुड इवनिंग मैम, ओम साईराम। गुड इवनिंग,
and welcome to the master class. So I'm the most lucky person of this world. Anything I want comes back to me very easily. Thank you, universe. Gratitude. Thank you to my SRK family. आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्रोत्साहन, आप लोगों की वजह से ही हम जो भी हैं, आप लोगों की वजह से ही हैं. Keep blessing us, keep supporting us, keep loving us. Okay जी. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रोनोलॉजी की क्लास को. कल हमने तीन नंबर्स की बात की थी राहुल जी ना, 1, 2, 3 किया था ना. यस मैम. सो मैम, जैसे कि ये 5 डेज का सिलसिला चलता आ रहा है एंड कंटिन्यूसली आप अपना रिसर्च बहुत सारे मॉडलिटीज को कंबाइन करने के बाद उनके जो मूल तत्व हैं वो हमारे साथ आप शेयर करते आ रहे हैं लगातार. सो यहाँ पे हम मास्टर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा कि इतना प्रयास और इतना डेडिकेशन और वो भी हमें अपडेट करने के लिए जो आप लगातार कोशिश करते आ रहे हैं उसके लिए सबको मैं यहाँ पे अनम्यूट करना चाहूंगा कि एक बार आप जरूर ओम साई राम कह के. ओम साई राम. ओम साई राम. ओम साई राम. हरे कृष्णा मैम. साई राम. साई राम मैम. ये जिनेंद्र मैम. राइट. थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन. जी मैम अनम्यूट कीजिए मैम. थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल. मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू. फलो फूलो सब बहुत राइज करो. राइट. चलिए तो जैसे कि राहुल जी आप सही कह रहे थे हम अपनी रिसर्च शेयर करते हैं. मैं वैसे भी अपने वेबिनार्स को कभी वेबिनार नहीं समझती. चाहे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक घंटा कोई मेरे साथ जुड़ा है तो कुछ नया डिफरेंट सीख के जाए. आज भी मैं आप लोगों के साथ अपनी रिसर्च शेयर करने वाली हूँ क्योंकि जितने भी लोग हम लोग शारलिन न्यूमरोलॉजी सीखी है या बहुत प्रचलन में है लोशियो ग्रिड. एक्चुअली लोशियो ग्रिड सिखाई इसलिए जाती है क्योंकि वर्क तो करती है नहीं, मतलब आप बहुत प्रेडिक्शंस तो कर नहीं पाते उससे, है ना. सो दैट न्यूमरोलॉजिस्ट जो है आप उनसे फिर बाद में कंसल्टेशन भी ले लो. वैसे भी लोशियो ग्रिड जो है ये इंडिया की साइंस नहीं है. आप लोग देखोगे कि लोशियो ग्रिड जो है ये चाइना की साइंस है. लोशियो ग्रिड में जो वास्तु भी सिखाया जाता है अगर आप इंडिया के हिसाब से देखोगे, जैसे यहाँ पे नॉर्थ में पहाड़ है वहां पे साउथ में पहाड़ है, तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है वास्तु भी, है ना. 5 नंबर को ब्रह्मस्थान लिया गया है, वहां पे सेंटर में डाला गया है. और आप लोगों को पता है कि 5 तो कुबेर की डायरेक्शन है, नॉर्थ की डायरेक्शन है, है ना. तो जो हम अपने कोर्स में वास्तु न्यूमरो भी करते हैं उसमें भी मैं आप लोगों को लोशु से नहीं पढ़ाती. तो एक्चुअली हम लोगों ने अभी तक सबने यही सीखा था कि 5 नंबर पे नाम को लाना जरूरी है अगर आपके पास 5 मिसिंग है. क्या तो ऐसे ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट से इरफान खान जी ने अपना नेम चेंज कराया. डेट ऑफ बर्थ 7/1/1967, है ना. चार्ट में 5 मिसिंग. तो इरफान खान का जब नेम चेंज करा गया तो RRR करा गया. आप लोगों को पता होगा, है ना, हाल ही में एक्सपायर हुए, जिसकी वजह से उनका FN19 पे आ रहा था और NN आ रहा था 32K5 पे. और मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि अगर इनका डेस्टिनी नंबर जो है वो 31 का 4 है. इतनी बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि अगर आपके पास 4 प्रेजेंट है तो आपका नाम 5 पे नहीं आना चाहिए. पहली गलती ये हो गई. 32 का 5 नो डाउट बहुत अच्छा कंपाउंड है, आज हम चर्चा करेंगे और कंपाउंड्स के बारे में. लेकिन 5 पे जब नेम को ले जाया गया और 4 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो यहाँ से 5 और 4 का बंधन योग क्रिएट हो गया. और अगर किसी की डीओ में भी 5 और 4 का योग होता है तो उसको बैक टू बैक हेल्थ इश्यू अस्पताल यात्रा लगी रहती है. और इरफान खान के चार्ट में 5 प्रेजेंट नहीं था लेकिन क्रिएट करके उस योग को एक्टिव कर दिया गया. उसके अलावा RRR ये भी गलत है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी गलती ये हुई जिसकी वजह से इरफान खान को बहुत ही बड़ा हेल्थ इशू हुआ, क्रॉनिक हेल्थ इशू. हम सबको पता है हाउ ही डाइड, है ना. तो इसीलिए जब भी नेम में कोई भी अल्फाबेट मल्टीप्लाई करेंगे या किसी भी कंपाउंड पे लेके जाएंगे तो प्लीज इस थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे कि नेम को अच्छे कंपाउंड पे लेके जाना है. ये दोनों कंपाउंड्स बहुत अच्छे हैं. 19 का कंपाउंड बहुत अच्छा है लेकिन मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि 19 का कंपाउंड को हल्के में मत लेना. 19 का कंपाउंड हम जिसको भी देते हैं उसके साथ प्रिकॉशंस दिए जाते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, जो मे बी इनको नहीं दिए गए होंगे. और वहीं पे 32 का 5 है
तो पांच नंबर जो है ये एक्टिवेट हुआ तो 5-4 का बंधन ये क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इनको इतना क्रॉनिक हेल्थ इश्यू डिटेक्ट हुआ। तो कभी भी नेम को चेंज करने से अच्छा तो आप अपने नेम को वैसे ही रहने दो जैसा है। अगर आपको नहीं सीखना या आपको किसी से डिजाइन कराना चाहिए जिसको क्रोनोलॉजी भी आती हो, क्योंकि मैं जो आप लोगों को कोर्स कराती हूँ उसमें मैं 5 या 6 साइंसेस को मर्ज करके कराती हूँ, सिंगल कोर्स तो है नहीं हमारा, है ना। राइट मैम, जो लोग आज ज्वाइन करा है आप लोग यूट्यूब पे देखो जाके, 1 2 3 हमने कल करा था। जी मैम, ऑलरेडी चैट बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया लिंक शेयर कर दिए गए हैं, तो आप उन अकाउंट्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाएं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारे रेमेडीज भी वहां पे अवेल हो सके। तो मैं फिर से आज 12 स्टेप्स रिपीट कर रही हूँ जो हम अपने कोर्स में भी सीखेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि नेम में क्या क्या करना पड़ता है उसको एक प्रोडक्टिव नेम बनाने के लिए। जैसे फिल्म स्टार्स के, बॉलीवुड स्टार्स के नेम चेंज होते हैं, जैसे सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं नेम में राजयोग, फिर हम देखते हैं कि मल्टीपल अल्फाबेट्स अगर हैं तो कौन से अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करा है, ना। मल्टीपल अल्फाबेट्स, देन फर्स्ट अल्फाबेट आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम, अब देखो जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है तो बहुत बड़ी नामकरण की विधि रखी जाती है ना, बहुत बड़ा मुहूर्त करा जाता है, बहुत बड़ा फंक्शन करा जाता है जी, नामकरण है बच्चे का। तो आप ये सोचो कि नेम कितनी बड़ी पावर है जो हमारे शास्त्रों से चलती आ रही है, जो हमारे पीढ़ियों से पीढ़ी चलती आ रही है। कुछ भी हो, बच्चा पैदा होगा तो नामकरण का संस्कार बहुत बड़ा करा जाता है, क्योंकि नाम बहुत बड़ी चीज है, नाम इज अ वेरी बिग थिंग। ये तो हमारे पूर्वजों को भी पता था। तो फर्स्ट अल्फाबेट जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके मून साइन के हिसाब से या नक्षत्र के हिसाब से डिसाइड नहीं होता, ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। 3 कंसेप्ट फॉलो करने जाते हैं अपने फर्स्ट अल्फाबेट को डिसाइड करने के लिए, है ना। उसके बाद क्रोनोलॉजी, कोई बैड साउंड तो नहीं आ रही आपके नेम में, है ना, जिसको हम साउंड वाइब्रेशन बोलते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आती है कंपाउंड थ्योरी कि आपका नेम कौन से अल्फाबेट पे, कौन से कंपाउंड पे जाना चाहिए। ये 5th या 6th स्टेप है हमारा, जिसको हम बहुत प्रायोरिटी दे देते हैं कि चलो जी 23 पे ले जाओ, 19 पे ले जाओ, 32 पे ले जाओ, ये बाद में आएगा, है ना। उसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं, न्यू नेम को कैसे बैलेंस करना है, 2 यंत्र बनाने सीखेंगे, 2 एप्स आप लोगों को मिलेंगे अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे जब नेम चेंज करोगे लोगों का, क्योंकि बहुत सारे हम कोर कंसेप्ट सीखेंगे इसमें। पिरामिड सिस्टम आएगा ना, बहुत सारे कोर कंसेप्ट आएंगे। ऐसे करके 12 स्टेप्स हम सीखेंगे कि न्यू नेम को आपको कैसे चेंज करना है, कैसे डिजाइन करना है। रियून सिंबल्स हम सीखेंगे, जीबू सिंबल्स हम सीखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट को आपको लिखना कैसे है, आप कई लोग नहीं चेंज कर पाएंगे, उसको लिखना कैसे है। ग्राफोलॉजी का पार्ट भी है इसमें, आपकी कंपनी कॉर्पोरेट क्रोनोलॉजी भी इस कोर्स का पार्ट है। कंपनी का नेम है, उसका फर्स्ट अल्फाबेट क्या होना चाहिए ये भी हम इसमें सीखेंगे। आपका हाउस नेम, आपका कोई प्रोडक्ट है उसका नेम, और अगर चेंज नहीं हो सकता तो रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में हम ये कोर्स सीखने वाले, पूरा 2 महीना कोर्स चलेगा और आप बहुत डिटेल में सीखोगे कि व्हाट इज क्रोनोलॉजी एंड इस साइंस से हम कैसे पावर ले सकते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो, जब हम नेम इतने महीने इतने टाइम तक सीखेंगे तो आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। बिजनेस नेम के लिए अलग थ्योरी होती है वैभव जी, पर्सन के नेम के लिए अलग होती है, बिजनेस नेम के लिए अलग होती है, प्रोडक्ट नेम के लिए अलग होती है। ये सब कॉन्सेप्ट्स है जो हमें सीखने पड़ेंगे। तो आज हम सीखेंगे नंबर 4 के कंपाउंड्स। तो पहला कंपाउंड अगर हम नंबर 4 की बात करें, 13, 22 और 31,
अब 13 कंपाउंड से डरते भी बहुत लोग हैं क्योंकि ऑब्वियस इट्स अ कार्मिक नंबर है ना, लेकिन किसी किसी की लाइफ में ये कार्मिक ब्लेसिंग भी लेकर आता है। ऋतु 13 कंपाउंड 100% क्रॉनिक हेल्थ इशू ऋतु नाम की पर्सन को। देगा ही देगा, डिटेक्ट कब होगा 40+ के बाद, लेकिन देगा ही देगा ये 13 में 13 कंपाउंड। तो 13 कंपाउंड बिल्कुल अवॉइड करेंगे। ऐसे लोग जो है ये इनकी लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं, जॉब चेंज नहीं चेंज करते रहेंगे, स्थिर नहीं रहते एक जगह, अनस्टेबिलिटी। है ना, उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी इनके साथ जो एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन लाइफ। अब क्या करें, किसी का 13 कंपाउंड है, नहीं चेंज कर सकते, तो अभी इसकी रेमेडी की भी बात करेंगे। नेक्स्ट इज 22 का 4, ऐसा पर्सन ख्याली पुलाव हम इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को। बहुत ड्रीमी बना देते हैं, अगेन मदर हेल्थ इश्यूज, ऐसे लोग जब डेंजर इनके पास होगा बिल्कुल, यानी कि पानी सर से ऊपर उठेगा, तब ये उठेंगे जागेंगे नींद से कि अच्छा अब तो पानी सर से ऊपर उठ गया, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा ना, जब डेंजर बहुत पास होगा तब जाके इनको होश आएगा कि ये यार ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मेरे सिर पे आगे खड़ी होगी, है ना। इनोसेंट भी हम इनको बोल सकते हैं, मतलब दूसरों के एस्टिमेट्स का इनको नॉलेज नहीं हो पाता, जल्दी से दूसरों के प्लान समझ नहीं पाते, चाले समझ नहीं पाते, इनोसेंट है। मूड स्विंग्स डेफिनेटली, इमोशंस को बहुत इम्पोर्टेंस देंगे, यानी कि काम से ज्यादा, मतलब दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेंगे, तो वहां पर भी ये फंसते। नेक्स्ट 31 का 4, बेस्ट कंपाउंड ऑफ 4 सीरीज, YouTube 31 का 4, राज कपूर 31 का 4, मैं आप लोगों के आगे बैठी हूँ 31 का 4। तो 31 का जो 4 होता है ये आपको इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड होते हैं ऐसे लोग, अपने बलबूते पे ही जो करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे, इनको जरूरत नहीं है दूसरों की, सेल्फ मेड पर्सन है ना। लेकिन अगेन स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन। अब एडिक्शन जरूरी नहीं है शराब एडिक्शन है, यानी कि कच्चा लालच और शेयर मार्केट से इनको बिल्कुल दूर है। 31 का 4 अदरवाइज बेस्ट कंपाउंड है, अगर आपको 4 की सीरीज पे नेम लेके जाना है, ठीक है। अब चारों की जो एक कॉमन रेमेडी हम कर सकते हैं, दैट इज राहु मणि वेयर करनी ही करनी है, राहु मणि वेयर कर ले, या फिर पिरामिड ब्रेसलेट, पिरामिड टाइगर आई, नॉर्मल टाइगर आई नहीं पहनी है, जैसे मैंने भी आप लोगों ने देखा होगा 31 का 4 पिरामिड वाला टाइगर आई ब्रेसलेट वेयर किया हुआ, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, है ना। मैंने राहुमणि भी वेयर किया हुआ। अच्छा 13 के 4 का आप लिख लो इविल आई, बहुत जल्दी नजर लगती है, तो अगर आपके नेम इन कंपाउंड्स में, तो एक बहुत प्रैक्टिकल रेमेडी आप लोगों को बता रही हूँ, 5 लौंग
और एक देसी कपूर का पीस लो। अपने सिर से 5 बार एंटी क्लॉक वाइज वार के घर के बाहर किसी भी मिट्टी के बर्तन में उसको जला दो, क्योंकि 4 नंबर पे ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी मेरे हेयर आपको वेट दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ऑफिस में कोई आए थे कंसल्टेशन लेने, इसलिए मैंने अब ऑफलाइन तो बंद कर दिया, बट ठीक है अब नहीं अवॉइड कर सकते थे, उनको रिलेटिव ही थे, रिलेटिव को मना नहीं कर सकते, लेकिन उनके जाते ही आई टुक सॉल्ट बाथ, है ना, क्यों, क्योंकि 4 नंबर पे ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी होता है। तो 4 नंबर को ये बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडी करनी है। दूसरा, डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल गिफ्ट्स फ्रॉम एनीवन, डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रिकल गिफ्ट्स फ्रॉम एनीवन। नेक्स्ट लिखो, डोनेट चाय की पत्ती टू एनी स्वीपर ऑन सैटरडेज एंड अमावस्या। थर्टीन वंशिका बेटी का नेम है, दीपाली जी चेंज करना चाहिए आपको। नैना बर्थ डेट कैन रिलेट विद 22, ओके 24 अक्टूबर है पर पेपर में 13 का 7 है, तो 24 अक्टूबर तो बहुत बढ़िया है। उषा जी पेपर वाली DOB नहीं यूज करते हैं, हमारी जो रियल होती है वही हम पे अप्लाई होती है। ऐसे तो कोई भी अपनी DOB चेंज कर लेगा पेपर के थ्रू। बर्थ डेट कैन बी रिलेट, बिल्कुल कर सकते हैं। 13 ऋतु कैसे आया, देखो R2 I1 और T4 U6 प्लस करो इन सबको, 13 आ रहा है। हाँ, इलेक्ट्रिकल्स या गैजेट्स दोनों नील करने। ऋतु भटनागर देखो, और 13 बेसिक नंबर भी इनका 13 है और इनका नेम भी ऋतु का 13 है। ऋतु जी कितने हेल्थ इश्यूज है बताओ। 13, 7, 1983 इशिका में अगेन SH माला जी, वंदना जी 22 का 4 है तो अप्लाई होता है वंदना जी आपके ऊपर, 22 के 4 हो आप। माई नेम नंबर 31 का 4 ट्रू सेल्फ मेड इविलाइज ऑप्शन, बिल्कुल होगा ही ये चीजें, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, है ना। If someone has given number 13 को electrical, what to do? आगे किसी और को दे दो, आप अपने पास मत रखो, अगर आप नहीं वापस कर सकते तो आप आगे किसी को गिफ्ट कर दो। डू नॉट एक्सेप्ट हेल्थ इश्यू, अब शुरू है 40 प्लस, अभी मैंने बोला ही था कि 40 प्लस के बाद हेल्थ इश्यू स्टार्ट होते हैं। और ये देखो इन्होंने लिखा है करुणा जी, रितु जी ने, कि 40 प्लस के बाद हेल्थ इश्यू। आप लोगों के आगे लाइव टेस्टिमोनियल है, एक एक चीज आपको लगती हुई नजर आएगी। महेंद्र प्रसाद 31 का 4 नेम भी 4 से स्टार्ट हो रहा है, कल ही बताया था मैंने। दिशा नेम चेंज करो, दिशा DI कल ही बात करी थी। रितु आनंद, रितु जी फर्स्ट नेम 13 पे आ रहा है, चेंज करना ही पड़ेगा, चेंज मतलब मॉडिफाई, जरूरी नहीं आप पूरा नेम चेंज करोगे। हम मॉडिफिकेशन भी सीखेंगे, हम करेक्शन भी सीखेंगे, हम रेक्टिफिकेशन भी सीखेंगे। चलिए 4, आई होप सबको क्लियर है। हाँ जी राहुल जी। जी मैम, यहाँ पे जैसे आप नाम के बारे में बताए, 4 नंबर के बारे में और वो रेमेडी बताए, तो मैम ऐसे कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि क्या वो बेसिक डेस्टिनी वाले भी कर सकते हैं, जिनके 4 हैं ये रेमेडी कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। राइट चलो 5 नंबर पे चलते हैं, बड़ा ही हिट नंबर है ना, कि 5 पे सब नेम लेके जरूर जाओ, 5 तो होना ही चाहिए सबके DOB में। ऐसा सुन सुन के हमारे कान इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं जी कि 5 नंबर सब कॉन्शियस में बैठ जाता है, 5 नहीं है ना इसलिए जिंदगी खराब है। एक्चुअली ये पूरी इंडस्ट्री का ही हाल है,
कन्विंस करने की जगह लोग कंफ्यूज करेंगे आपको, तो कन्विंस होना सीखो, कंफ्यूज करना ना ही हमने कंफ्यूज होना है ना आगे वालों को कंफ्यूज करना है। डीओबी में जितनी भी स्ट्रेंथ है वीकनेस है पहले उसको कवर करेंगे, फिर हम जाएंगे मिसिंग नंबर पे। पता नहीं कोई नंबर एक्टिवेट करना जरूरी भी है कि नहीं है, है ना, तो पहले स्ट्रेंथ और वीकनेस पे वर्क करेंगे और फिर हम जाएंगे डीओबी। तो अगेन 14 जो है ये कार्मिक नंबर है, लेकिन ये नंबर जो है ये स्पीड का नंबर है, ये एनर्जी का नंबर है, ये एक्टिवनेस का नंबर है, ये ट्रैवल का नंबर है। अब हम क्या सोचते हैं भाई 14 का 5 बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आपके काम में स्पीड का लेना देना है, ट्रैवलिंग का लेना देना है, तो ही आप इस नंबर को यूज करोगे, क्योंकि ये आपको इनपेशेंस भी देगा, ये आपको रॉन्ग डिसीजंस भी क्रिएट कराएगा। फास्ट एक्शंस एंड फास्ट रिएक्शन 14 के 5 की वजह से, तो हर किसी को सूट नहीं करता 14 का 5। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर यूजिंग बिकॉज इट्स अ कार्मिक नंबर ऑल्सो। इट इज अ गुड नंबर, इनको हेल्प मिलती है सीनियर्स की। या फिर हाई प्लेस्ड पीपल, हाई रैंक्ड पीपल, यानी कि अगर किसी की ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है वहां हम उनको ये नंबर दे सकते हैं, है ना। बहुत ही क्लेवर है, गुड कम्युनिकेशन, गुड राइटिंग स्किल्स, वाक्पटुता। वाक्पटुता का मतलब अपनी बात दूसरों के आगे रखेंगे और इतनी इफेक्टिवली रखेंगे आप मानोगे ही मानोगे उनकी बात। ये 23 का 5 देता है। मल्टीलिंगुअल होना चाहिए इनको, आपके बच्चे के पास है उसको एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज कोर्स जरूर कराओ। कैसे भी आ रहा हो 23, बीएन से आ रहा हो, नेम से आ रहा हो, दोनों पे अप्लाई होगा। लेकिन 23 का 5 एक चीज देता है, स्किन प्रॉब्लम, नर्व्स इश्यू। नर्व्स का मतलब ये नहीं होता कि हड्डियों में दर्द रहेगा, टीथ में भी प्रॉब्लम देता है, दांत भी हमारी नसों से जुड़े हैं, नर्व्स इश्यू में टीथ भी आते हैं, है ना। तो ये देगा ही देगा 23 का 5। इसीलिए जब भी हम किसी नेम को देते हैं किसी पर्सन को, तो आदमी रेमेडी देती है, क्योंकि हर नेम का पॉजिटिव नेगेटिव है, हर कंपाउंड का है, कुछ का ज्यादा है कुछ का कम है, लेकिन हर कंपाउंड का पॉजिटिव नेगेटिव तो है ही, है ना। राइट मैम, स्टूडेंट्स कंफर्म कर रहे हैं कि यस स्किन प्रॉब्लम हैविंग ए लॉट, ये देता ही है 23 का 5। इम्यूनिटी लो देता है बॉडी की, लो इम्यूनिटी, वेदर चेंज होते ही खांसी जुकाम होना ही होना है इनको। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें 23 का 5, अल्टीमेट रेमेडी। बर्ड्स को मक्का प्लस ग्रीन मूंग ये खिलाएं, और ये 14 के 5 वाले राहु मणि वेयर करेंगे। और किन्नर को 20 रुपीस का नोट देना है वेडनेसडे। Your skin problem, me having a lot. Karuna ji, 23 born hai, skin problem. Right. What other than teeth problem, ma'am? कहीं पे paralysis हो सकता है, वो भी nerve से जुड़ा है। मैं जान के chronic health issues नहीं बोल रही हूँ कि वो हमारे subconscious में feed हो जाते हैं। I have skin and teeth problem, okay? Skin problem का कौन सा number? रुद्राक्ष, पांचमुखी। गणेश पांचमुखी पहना सकते हो, जैसे मेरी डॉटर 23 की 5 है, तो मैंने उसको गणेश पांचमुखी पहनाया है,
उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब से मैंने आया उसको स्किन इश्यूज नहीं हो रहे, नहीं तो उसके हाथ में व्हाइट व्हाइट एलर्जीज हो जाती थी पहले। टच फुट इम्यूनिटी भी ठीक है। राइट, एक मुखी रुद्राक्ष पहना है। ओके और बेसिक 14 भी फाइव मुखी रुद्राक्ष मैम नहीं, 14 के लिए फाइव मुखी देखो पहन सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इनकी इनको फाइव की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको स्किन वगैरह के ज्यादा इश्यूज होते ही नहीं है, है ना। तो इनको पांच मुखी रुद्राक्ष या फिर पांच मुखी सॉरी 12 मुखी रुद्राक्ष या राहुमणि। ये कौन स्क्रिबल कर रहा है इतना ज्यादा? आरती जैन जी प्लीज डोंट स्क्रिबल ऑन द स्क्रीन। आरती जी पढ़ने आए हो या क्या करने आए हो? देखो पूरा स्क्रीन खराब कर दिया आपने तो। चलो फाइव हमारा वैसे भी हो ही गया। मैम यहाँ पे एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि सावन का महीना चल रहा है एंड ये पूरा महीना डेडिकेटेड है भगवान महादेव के ऊपर, तो इसमें हम रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत ही शुभ रहेगा। बिल्कुल, और हमारे रुद्राक्ष पे ऑफर भी चल रहा है अगर आपको हम लोगों से लेना है। हमारे एक्चुअली थोड़े से कॉस्टली होते हैं क्योंकि हमारे प्योर नेपाली रुद्राक्ष होते हैं, हमारा पूरा झाड़ आता है ना, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे दिखेंगे उनके। और हमारा इस टाइम ऑफर भी चल रहा है रुद्राक्ष पे, सिर्फ सावन में ही है ये ऑफर, तो आप लोग कनेक्ट कर लो जिनको भी लेना हो, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हो जहां आपको ट्रस्ट हो। मेरे हस्बैंड को स्किन प्रॉब्लम है 23 बॉल। बिल्कुल होगी, ये चीजें लगती हुई मिलेंगी, या ये जो आपके साथ शेयर हो रहा है ये चीजें आपको कोई अपनी पेड क्लास में भी नहीं सिखाएगा जो मैं आप लोगों को इस मास्टर क्लास में सिखा रही हूँ, तो आपको ट्राई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चीजें लगती हुई मिलेंगी। मैम एक छोटा सा अनाउंसमेंट, जैसे कि स्टूडेंट्स जी जैसे कि स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि पिरामिड ब्रेसलेट, टाइगर आई ब्रेसलेट एंड रुद्राक्ष, तो कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के साथ, काइंडली कॉन्टैक्ट ऑन 9212175900। आई एम रिपीटिंग 9212175900। सारे प्रोडक्ट्स एनर्जीफाई करने के बाद विद इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनमें से है मणि, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, पेंडुलम डाउजर, रुद्राक्ष एसेंशियल ऑयल, यंत्रास, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, वास्तु प्रोडक्ट्स, टेरो कार्ड डेक, सारे ऑक्यूल साइंस के प्रोडक्ट अवेल किए जाते हैं एनर्जीफाई करने के बाद। नंबर इज 9212175900, ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर दिया गया है। जी मैम चलो, आई होप 32 हम क्लास में पढ़ेंगे संजू जी, आज हम सिर्फ सबके 31 तक ही कवर करेंगे। आई थिंक आपने तो ज्वाइन किया संजू जी, आपको तो 108 तक पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। क्रोनोलॉजी कोर्स का एक अपडेट दे देती हूँ, हमारी बहुत ही लिमिटेड सीट्स बची हैं क्रोनोलॉजी क्लास के लिए, तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है तो कर लो इस बार, नेक्स्ट टाइम 14666 भी रहेगा और पता नहीं कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेस कितने होंगे, आई डोंट नो। राइट, चलो नंबर 6 शुक्र का। अच्छा शुक्र की आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी ब्राह्मण रेमेडी दूंगी, आज ही किसी का फीडबैक आया है तो उनका रिलेशनशिप इशू था, लड़की मान नहीं रही थी तो उनको मैंने दिया था, मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर दूंगी। पहला कंपाउंड 15, दूसरा 24। अब दोनों ही कंपाउंड बहुत अच्छे हैं, है ना, लेकिन ये क्या देगा, ये आपको देगा मनी, ये मनी के लिए यूज करेंगे। देखो वीनस के कारक तत्व क्या है, वीनस के कारक तत्व है लग्जरी, रिलेशनशिप, फैमिली, चिल्ड्रन, है ना, बच्चों का भी कारक है वीनस, तो या तो पैसा या रिलेशनशिप, तो 24 नंबर जो है ये रिलेशनशिप से जुड़ा है। अब रिलेशनशिप लाइफ में क्या क्या आता है, रिलेशनशिप लाइफ में चिल्ड्रन भी आते हैं, रिलेशनशिप लाइफ में आपके स्पाउस भी आते हैं, तो अगर किसी को ये इश्यूज है तो आप 24 का 6 दोगे, अगर किसी को मनी इश्यूज है तो आप 15 का 6 दोगे। हाईली इंटेलिजेंट 15 के 6, मॉनेटरी गेन्स मैग्नेटिक क्वालिटी
लेकिन ये इंटेलिजेंस का नंबर है। तो यहाँ पर हम तब देंगे अगर किसी का पढ़ाई में इश्यू है, तब हम 15 का 6 देंगे, यानी कि लग्जरी चाहिए लाइफ में। लग्जरी किससे जुड़ी है? मनी से जुड़ी है, तो मनी चाहिए तो 15 का 6 देंगे। लेकिन अगर आपको है रिलेशनशिप इश्यू, है ना, तब हम देंगे 24 का 6। चाइल्ड बर्थ इश्यू, स्पाउस मैरिज नहीं हो रही, तो हम 24 का 6 देंगे। ये पैसे नहीं देता, 24 का 6 पैसा नहीं देता। ये आपको या तो अच्छा रिलेशनशिप दे देगा, रिच स्पाउस दे देगा 24 का 6, है ना। यानी कि बेनिफिट फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, ये देता है 24 का 6। तो दोनों के पर्पस अलग है, दोनों 6 के कंपाउंड पर्पस अलग है। ऐसे ही 33 का अलग है, 42 का अलग है, हर कंपाउंड का अपना पर्पस है। आपको सिर्फ समझने की जरूरत है कि देना क्या है सामने वाले पर्सन को। ऐसी कंपनी नेम में भी चेंज हो जाते हैं कंपाउंड्स, प्रोडक्ट नेम में भी थ्योरी चेंज हो जाती है कंपाउंड की, है ना। साउंड भी बहुत मैटर करेंगी, चाहे वो कंपनी नेम ही क्यों ना हो। तो चीजें जो है वो चेंज हो जाती है कंपाउंड नंबर चेंज होते ही। इनको लाइफ में सिर्फ लव चाहिए, लव कि मैं कहूंगी हंग्री, वेरी फूडी, स्टमक इश्यूज होंगे ही होंगे, बट अगेन ब्यूटिफुल। एक ऑर्डिनरी पर्सन भी रिच दिखेगा अगर 24 नंबर से रूल हो रहे हैं, लेकिन ये पैसा नहीं देता 24 का 6। ये आपको मनी की वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, पर पैसा नहीं देता है। ये रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, ठीक है। तो 24 के 6 के लिए अलग रेमेडी होगी, 15 के 6 के लिए अलग रेमेडी होगी। 24 के 6 के लिए वीनस मणि धारण करेंगे, 15 के 6 के लिए सूर्य मणि धारण करें। है ना, 24 के 6 वाले को शुक्र पर्वत, सबको पता है क्या होता है हाथ में, शुक्र पर्वत के अंदर आपको एक सर्कल जो वीनस का सिंबल होता है ये बनाना है ब्लू कलर के पेन से। उसके बाद आपने लेना है गुलाब का इत्र, उसमें थोड़ा सा आपका पूर जो है ना वो पाउडर करके डाल के इसके ऊपर रब करो अपने शुक्र पर्वत के ऊपर। पहले ये सिंबल बना लिया आपने ब्लू कलर के पेन से, देन कपूर और गुलाब का इत्र आप इसके ऊपर रब करो रोज रोज रोज। सिंबल बनाना ये करना फ्राइडे से, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करते। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप पैसे की अफर्मेशन दोगे, आई अट्रैक्ट मनी इन माई लाइफ फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। और अगर आपका रिलेशनशिप इश्यू आप उसके लिए यूज कर दे तो आई अट्रैक्ट डिजायर्ड पार्टनर इन माई लाइफ, ठीक है। कोई भी दोनों में से अफर्मेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि शुक्र के दो ही कारक तत्व है। बेटे का नाम करणदीप सिंह है, वरणदीप सिंह क्या ही सही है। 33B तो है 6, हाँ मैंने तो बोला ही। DN2 DN3 तो क्या डी, तो क्या 6 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं आनंद जी। 24 अक्टूबर पर मेरी कोई भी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, करंट की चिंता नहीं है। ओके, मेरे बेटे श्रेष्ठ पटनागर 24/7/2013 माई सन 24/6/10/1942 का 6 क्या देगा मैम? बाकी कंपाउंड हम कोर्स में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि फिर ऐसे मैं कवर नहीं कर पाऊंगी आज, हम नारा लास्ट वेबिनार रहेंगे। तो 24 के 6 को, अच्छा 24 के 6 को अगर लव मैरिज नहीं करी, लव मैरिज करनी है इनको, लव मैरिज नहीं करी तो डिवोर्स, या फिर एक बिग ब्रेकअप जरूर होता है 24 के 6 का। अगेन 24 के 6 की मदर को हेल्थ इशू,
आज हम 31 तक के ही कंपाउंड्स करेंगे, ताकि आप लोग थोड़ा डीओबी से भी इसको रिलेट कर लो या नेम से भी आप रिलेट कर सकते हो। इफेक्ट देगा ही देगा, नेम से भी देगा ही। थर्टीन की रेमेडी हम और कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। बिना डेट ऑफ बर्थ देख के मैं नैना जी कैसे बता सकती हूँ? दिन का मिस हो गया है, आप लोग यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सेम रिजल्ट रहेंगे सैमसंग जी। हाँ लता जी दोनों चीजें होंगी, दोनों ही होंगी। चलो बंधन ये हो गया कोमल आपके नेम में। स्ट्रॉन्ग हेल्थ इश्यूज, बहुत स्ट्रॉन्ग माइग्रेन, आईसाइट वीक, हेडेक्स, ये बहुत ज्यादा रहेंगे। करते हैं अभी नेम के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपने कोर्स का अपडेट दे दें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बची हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाह रहे होंगे आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि नेम तो एक ऐसी वाइब्रेशन है जिसको सबको पॉजिटिवली अपने लिए सेट करना ही है। नेम एक ऐसी चीज है जिसकी आपको बार बार रेमेडी नहीं करनी पड़ती। एक बार आपने नेम पॉजिटिवली सेट करा, उसके बाद लाइफ टाइम आप उसके इंजॉय करो फ्रूट्स को, रिजल्ट्स को। एक ऐसा पेड़ है जो आपको एक ही बार उगाना है। एक अगर हम ट्री भी उगाते हैं तो भी लाइफ टाइम रिजल्ट नहीं देता, लेकिन नेम एक ऐसा ट्री है जो आपको लाइफ टाइम रिजल्ट देगा। हम लोग बनी रहे अपना बेटर वर्जन, लर्निंग करके बाय थ्रू एसआर के। तो ये मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। आई एम फाउंडर ऑफ साइरम क्रिएशंस। 3-in-1 का मास्टर प्रोनोलॉजी का कोर्स है, जिसमें आपको सारी जितनी भी नेम की साइंसेज है सब मर्ज करके मैं इकट्ठा पढ़ाती हूँ। 25,000 इसका ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज है, बट अभी 12666 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत वास्ट हमारा कोर्स कंटेंट है, जिसमें हम पूरा 1-to-108 कंपाउंड तो करेंगे ही करेंगे, शार्डियन में भी करा जाता है, लेकिन उसके अलावा डिफरेंट है इस कोर्स में। न्यूमरोस्कोप, ग्रिडिंग, कौन से अल्फाबेट मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे करना है, कौन सी प्लेस पे करना है, राज्यों कैसे क्रिएट करना है, बहुत वास्ट कोर्स कंटेंट है हमारा। ठीक है, विक्ट्री के कौन से अल्फाबेट्स है, कौन सी साउंड्स अच्छी हैं, 100 से ज्यादा साउंड्स हम इसमें करेंगे। रेमेडीज, कॉर्पोरेट, कौन सा बिजनेस किसको करना है ना। तो क्रोनोलॉजी का आपको सर्टिफिकेट भी हमारे यहाँ से मिलेगा। साइरम क्रिएशंस का सर्टिफिकेट ही बहुत है आपके लिए। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल क्रोनोलॉजिस्ट आप बनते हो, तो आपको 25,000 पर मंथ तो आप इनकम स्टार्ट करोगे ही करोगे, क्योंकि जो हम इसमें यंत्र बनाना आपको दिखाएंगे नेम का, यंत्र बनाने के ही आप 1100 रुपए चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा मोजो बैग्स की क्लास है, स्विच कोर्ड्स की क्लास है, जीवो सिम्बॉल्स की क्लास है, मेडिकल क्रोनोलॉजी है, टाइम न्यूमरोलॉजी है। टाइम न्यूमरोलॉजी से आप सिर्फ टाइम से ही प्रिडिक्शन कर सकते हो, सिर्फ आपको सामने वाले का कितने बजे उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसके हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, राइट। तो बहुत ही वास्ट कोर्स कंटेंट है और बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। राहुल जी आप पोस्टर दिखाओगे? यस मैम, जस्ट अ सेकंड। तो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, सिर्फ 2,000 पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हो। और आपको उसमें 2 वीक्स की क्लासेस दी जाएंगी, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे हमारी क्लासेस रहती है। तो अगर आपको भी अपनी लाइफ में चेंज लाना है, आप भी चाहते हो कि फिल्म स्टार्स की तरह आपका भी नेम डिजाइन हो और आप लाइफ में चेंज लाओ, तो आपके लिए ये कोर्स है। और इसमें हम सिर्फ ये कंपाउंड थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ डिटेल में करेंगे कि अगर अल्फाबेट मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट होगा, रेमेडी क्या कर सकते हैं अगर है भी, है ना। बिकॉज रेमेडीज इतनी आपको कोई भी नहीं कराएगा जितनी इस कोर्स में आपको मिल जाएंगी, है कि नहीं। चलिए जब तक हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, फर्स्ट टाइम जो लोग ज्वाइन हुए हमारे साथ हैंड रेज कर सकते हैं।
थैंक यू अरुणा जी. मैम कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस डिटेल में होंगी क्या? बिल्कुल डिटेल में होंगी. मेडिकल प्रोनोलॉजी ही हमारा 5 दिन का होता है, टाइम न्यूमरोलॉजी 2 दिन का है, स्विच कोर्स की क्लासेस, इनकी आपको क्लासेस मिलेंगी रिकॉर्डेड, क्योंकि अभी कोई लाइव का हमारे पास है नहीं. अगर लाइव हुआ तो लाइव भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी तो रिकॉर्डिंग ही मिलेगा क्योंकि अभी समय नहीं है लाइव का. ठीक है, लेकिन मेडिकल लाइव होगी, टाइम लाइव होगी, ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ. इज इट विजिबल मैम? या इट्स विजिबल. सो सिर्फ 2000 रुपीज पे करके आप लोग अपनी सीट बुक कर सकते हो, और बाकी भी आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, क्योंकि हमें पता ही हमारे स्टूडेंट्स कहीं जाने नहीं वाले. So starting from 27 July, the course is Advanced Predictive Neighing Numerology, that is Phrenology. The actual energy exchange is 25,000, lekin after discount 1,600. Lekin और भी 5 वर्कशॉप फ्री मिल रहे हैं, मेडिकल प्रोनोलॉजी, टाइम न्यूमरोलॉजी, स्विच कोर्स वर्कशॉप, जीबू सिंबल्स वर्कशॉप, मैजिकल मोजो बैग्स का क्लास. और भी आपको एडवांस सिखाया जाएगा कि प्रोनोलॉजी के साथ आप सिर्फ अपना नाम ही सेट करना नहीं सीखेंगे, काफी सारी चीजें भी सीखेंगे, जैसे हेल्थ के ऊपर, टाइम के ऊपर, कौन सा स्विच कोड आपको सफलता दिलाएगा या फिर हेल्थ प्रॉब्लम दूर करेगा, उसके साथ कौन कौन से जीबू सिंबल आप यूज करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो हेल्थ वेल्थ या रिलेशन हो, बिजनेस हो. उसके साथ मैजिकल मोजो बैग्स भी बनाना सीखेंगे, जो बहुत ही फायदेमंद है, और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है. तो जैसे आप देख रहे हैं प्रोनोलॉजी, उसके साथ 5 वर्कशॉप, ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज दिए जा रहे हैं, कि आप सीखने के बाद आप खुद के लिए तो अप्लाई करेंगे ही, और उसके साथ सीखने के बाद एज ए प्रोफेशन भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकेंगे. सो इन 12,666 आप 6 कोर्सेज सीखेंगे, और वो भी प्रोफेशनल. लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ एंड ई सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा. एज ए एडवांस प्रेडिक्टिव नई न्यूमरोलॉजिस्ट, प्रोनोलॉजिस्ट बनके आप अपना करियर स्टार्ट करेंगे. 2 मंथ लगातार रहेगा इन अल्टरनेट डेज में, दैट इज ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 3 डेज ए वीक रहेगा. रहेगा जूम ऐप पे, टाइमिंग्स आर 9 PM ऑनवर्ड्स. और उसके साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कराया जाएगा, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, विद जूम लिंक आल्सो, क्योंकि सारे कोर्सेस हमारे लाइव रहते हैं जूम ऐप पे. आफ्टर क्लियरिंग एवरी वंस डाउट, हमारे क्लासेस एंड कराए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ डाउट रहे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं. आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ कोर्स ग्रुप कंटिन्यू रहते हैं, ये जाते हैं 15 डेज 1 मंथ में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. और उसके साथ साथ एज ए प्रोफेशन आप इस विधान कैसे आगे बढ़ेंगे, करियर आप कैसे ग्रो करेंगे, वो चीजें भी आपको इसमें देते हैं, हर एक मास्टर लेवल के कोर्सेस में. सो ज्वाइन कीजिए एंड 2000 रुपए आप सीट एनरोलमेंट कर सकते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द अमाउंट इंस्टॉलमेंट में इजी 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं. सो पे करने के लिए जो नंबर है, दैट इज 9625712675. आई एम रिपीटिंग 9625712675. सेम नंबर पे आपको पेमेंट करना है थ्रू जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से. सेम नंबर पे ही आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका नाम शेयर करना है, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा. लेकिन ये ध्यान में रखिए कि बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर रखा गया है, कि आप 12,666 में विथ द कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं. आफ्टरवर्ड्स ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर नहीं रहेगा. और एक सुविधा है कि आप सिर्फ 2000 पे करके सीट एनरोलमेंट कर सकते हैं. आफ्टरवर्ड्स आफ्टर 15 डेज यू हैव टू पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, एंड नेक्स्ट 15 डेज के बाद आप थर्ड इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे, दैट इज जो कि आपको बताया जाएगा कोर्सेज के दौरान. सो जरूर ज्वाइन करें. नाम एक ऐसी विधा है जो प्रोनोलॉजी है, वो आपको नाम में पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करना सिखाएगा ही, साथ ही साथ आप खुद
खुद में परिवर्तन महसूस करेंगे। जो कोई भी प्रोफेशन, जो कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें ग्रो करना, अपने ओरा को स्ट्रांग करना और खुद को स्ट्रांग करना भी आप सीखेंगे हमारे इस विधा में। सो जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप कंसल्टेंसी भी लेते हैं तो 11,000 पे करना पड़ता है, लेकिन 12,666 में आप पूरा का पूरा कोर्स सीखेंगे, जिसमें आप एज ए प्रोफेशन करियर स्टार्ट करते हैं और उसके साथ साथ दूसरों को भी गाइड करते हैं। जी मैम, राइट, ओके जी। चलिए तो क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स के। पेमेंट नंबर आओ जी दे दो, एक बार रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल। 23 को पांचमुखी हमने बात की थी ना करुणा जी, एकता जी आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ जी एकता जी बताइए। मैम ये जो कोर्स अपने करेंगे तो इसमें बिजनेस नेम वगैरह भी अपने सीखेंगे क्या? बिजनेस नेम वगैरह कैसे रखते हैं? जी कॉर्पोरेट पार्ट है इसका। और जैसे मुझे एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो जो इसमें जैसे अपने जो कुंडली बोलते हैं या दशा वशा बोलते हैं तो वो सब भी देख सीख पाएंगे क्या या कर पाएंगे? एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ गई इसमें? नहीं आपने जैसे कोर्स में बताया ना कि एस्ट्रोलॉजी का भी कुछ पार्ट उसमें इनकॉर्पोरेट किया है, कुछ पार्ट रहेगा पर दशा वगैरह नहीं पढ़ेंगे, दशा सिस्टम थोड़ी इंक्लूडेड है। अच्छा मतलब जो पढ़ेंगे वो बिना नॉलेज के भी समझ आ जाएगा ना, बिना एस्ट्रोलॉजी के? हाँ 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 वो तो आ जाएगा। ओके और मैम जैसे इस वीक जैसे अपना कोर्स स्टार्ट हो रहा है लेकिन मैं ट्यूजडे तक नहीं कर पाऊंगी तो फिर उसको कैसे कर पाएंगे अपने आगे? तो एक ही क्लास आपकी हार्डली मिस होगी, कल से स्टार्ट हो रहा है, क्लास सैटरडे होगी, नेक्स्ट ट्यूसडे ही होगी। अच्छा पीटीएस है ना हमारे? हाँ 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 1 o'clock वाला बैच भी अपने कर रहे हैं ना? 12:30 ठीक है मैं बात कर लेती हूँ। ओके थैंक यू। और कौन आया है फर्स्ट टाइम? नयना जी कितने एने लेके घूम रहे हो नेम में? दीप्ति वर्मा जी यस बिल्कुल इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। व्हाट इज टाइम न्यूमरोलॉजी? टाइम न्यूमरोलॉजी में अभी जैसे टाइम हुआ है 6:31 है ना, तो 6:31 जो टाइम हुआ है इसके हिसाब से हम सामने वाले को प्रेडिक्शन करेंगे। इसमें हम ये तक बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस पर्पस से रिलेटेड है, तो ये भी बहुत ही अच्छी विधा है जिससे आप लोग प्रेडिक्शंस कर सकते हो। प्रेडिक्शन करने का ही मेथड है और इससे भी आप प्रेडिक्शंस कर सकते हो। पीडीएफ रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। बेसिक 4 एंड डेस्टिनी भी 4 है तो इसकी रेमेडी प्लीज बता दीजिए। अभी हमने 4 नंबर की जो रेमेडी करी थी दीपाली जी वही कर लेना अभी। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम 9 August 1972 मल्टीपल 9 मनी प्रॉब्लम देता है। नेहा हमें कितने सारे एच और कितने सारे ए कर दिए। लता जी अल्फाबेट मल्टीप्लाई नहीं करते ऐसे बिना सीखे, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया इरफान खान, किरण खेर का डबल आर होते ही उनको भी एक क्रॉनिक हेल्थ इशू हुआ था। आई हैव डन मिलियन जीरो सिंबल्स भी आपके पास से, ठीक है आपकी फीस डिडक्ट हो जाएगी सारी का जी, डोंट वरी। 4 and 5 कॉम्बिनेशन बंधन योग एनी रेमेडी मैम? ओके बंधन योग की रेमेडी मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में एक विजिट करनी है महीने में एक बार और वहां की कैंटीन से कुछ खा के आने है ना, मतलब आपका उससे खर्चा कराना है, पैसा लगवाना है दवाइयों पे, आप खुद ही जाके लगा के आ जाओ, है कि नहीं? शिवाली एसएच से शुरू हो रहा है शिवाली नेम, प्लीज हेल्थ इश्यू देता ही है एसएच बिगनिंग में। बोलिए नैना जी। हाँ जय हेलो ओम साई राम। जय जय मैम
जैसे आप एसएच का बता रहे हो तो इन बिटवीन कोई भी पोजीशन में हेल्थ इश्यू देता ही है एसएच? बिगनिंग और एंड में तो देता ही देता है, मिडिल में भी एट टाइम्स देता है, बट डीओपी पे डिपेंड करेगा। ओके, अगर डीओबी के कभी कभी ऐसा भी हो के नहीं भी हो सकता है, मिडिल में नहीं होगा, बिगनिंग में तो 100% होगा। ओके मैम, और एक तो ये वाला, जैसे मैंने ऐसे प्रोनोलॉजी का कोर्स मैंने ऐसे कुछ किया हुआ है तो फिर उससे मैं आपसे पर्सनल कुछ बात कर सकती हूँ कभी भी? आई वॉन्ट टू टॉक समथिंग। कहाँ से? आपने महार से तो नहीं किया हुआ ना? नहीं, आपसे नहीं किया तो फिर आप मुझसे कैसे बात कर सकते हो ना? मुझे पर्सनल में एक बार आप बात करवाना है ना, आई टॉक टू यू, फिर मुझे ये कोर्स में आना है उसके लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, आप कॉल कर लेना, जो नंबर अभी राहुल जी ने दिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, आप खुद मुझसे बात करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके मैम, सुदर्शन नाम कैसा है? जैसे हम, जैसे मैंने अपने बेटे को बोलते ना सुदर्शन नाम, तो वो बोलते सु, तो इससे सुविचार। ओके, तो सु का बैड साउंड में कैसे आ जाता है नाम? क्योंकि हम ना इंग्लिश साउंड को लेते हैं, प्रोनोलॉजी जो है ये साउंड की, साउथ की साइंस है। सो बोलते ना आई विल सू यू, सो मतलब केस कर देंगे आपके ऊपर। तो सू साउंड जो है कि आपको लिटिगेशन देगी, और जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। जैसे सपोज आप सड़क पे जा रहे हो, ट्रैफिक वाला आपको पकड़ लेते कार में, है ना, आपके फ्रेंड ने कुछ किया, आप फंस गए उसकी जगह, ये सब okay. ओके okay, हाँ, तो वही मैंने पूछा ना कि जैसे अभी सुदर्शन का एस एच पीछे, तो उसका कुछ इफेक्ट मोस्टली स्टार्टिंग और मिडिल में हेल्थ इश्यू देता है। ओके मैम, मुझे कौन से नंबर से आपसे कांटेक्ट करूं? अभी जो राहुल जी ने नंबर्स दिए, किसी भी कॉल कर लो, सारे ऑफिस में ही होते हैं। ओके ओके मैम, थैंक यू। सोनिका जी बोलिए। यस मैम, मैम मैं कह रही थी वो मेरे हस्बैंड का BN8 है और DN1 है, अमिताभ मोहन नाम है, तो बिजनेस में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो फिर नेम चेंज करूं अमिताभ मोहन? इसी नेम को ही ठीक करेंगे, हर एक को, हर कोई तो नेम चेंज कर नहीं लेगा ना, इसी नेम को ठीक करेंगे। तो हार्ट प्रॉब्लम भी है उनको, हार्ट अटैक स्टंट्स डले हुए हैं उनको ना, 1-8 का कॉम्बिनेशन भी है ना सोनिका जी? यस मैम, 1-8-3-6 इन कॉम्बिनेशन की सबकी स्पेशल कवरेज है हमारे कोर्स में। ओके मैम, मैम मैंने आपसे पहले अभी कोर्स किया था उसका, तो वो फीस डिडक्ट हो जाएगी 2100? मेडिकल का किया था आपने? हाँ हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक। ठीक है जी, चलिए तो आज हमने तीन नंबर्स की बात करी और आज तो हमारा लास्ट वेबिनार है, कर लेंगे कभी और किसी और बाकी नंबर्स की बात। निताशा अरोड़ा बिल्कुल NI की साउंड है, नेम चेंज होगा मतलब फर्स्ट जो ये दो वाइब्रेशंस, और इसके अलावा इनका तो फैमिली सपोर्ट भी नहीं है नेम के हिसाब से, बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वर्क, फोकस नहीं रहेगा, है ना, तो ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। नेम बैलेंस करो सब लोग अपना, क्योंकि नेम एक बहुत बड़ी पावर है, और अगर आप क्रोनोलॉजी से अपना नेम बैलेंस करते हैं तो आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न करती है। बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है और आप भी इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन आगे बढ़ना चाहेंगे, कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, और जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले पाए इज रियली सॉरी, आप लोग चैट बॉक्स में लिखना, कमेंट करना यूट्यूब पे, आई विल डेफिनेटली आंसर। और बाकी लेट्स सी, जो लोग कोर्स में आएंगे आप लोगों से पर्सनली बात करेंगे, मिलेंगे, पढ़ेंगे 2 महीना, समझेंगे इस साइंस को, और बाकी सी यू ऑल सून। आपको 5 अलग अलग यूनिक वर्कशॉप फ्री दिए जा रहे हैं, दैट इज मेडिकल टाइम न्यूमरोलॉजी स्विच कोड वर्कशॉप, सिंबल एंड जोबेक्स, 5 वर्कशॉप आपको करें, और साथ एक व्हाट्सएप ऐड होंगे जिसमें सारे डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम लाइव रहेगा जूम पे, इसके साथ आपको 2000 रुपीज पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्स में, आफ्टरवर्ड्स 2 इंस्टॉलमेंट में भी आप अमाउंट पे कर सकते हैं। सो ज्वाइन कीजिए, ये ऑफर्स नेक्स्ट टाइम नहीं रहेंगे और ना ये एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। 50% डिस्काउंट देने के बाद आपको 5 वर्कशॉप भी फ्री मिल रहे हैं। सो आपको पेमेंट करने के लिए 9625712675 नंबर पे जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से
पेमेंट करना है, सेम नंबर पे ही आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। नंबर इज 9625712675। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। सो ज्वाइन कीजिए एडवांस प्रेडिक्टिव नेम न्यूमरोलॉजी प्रोनोलॉजी स्टार्टिंग फ्रॉम 27 जुलाई। लाइव रहेगा जूम ऐप पे, रिकॉर्डिंग पीडीएफ एंड ई सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं हम अलग अलग विधाओं को सीखते हैं, अलग अलग विधाएं भी बहुत जरूरी हैं, लेकिन सबसे पहले आता है आपका नाम और नाम का उच्चारण एक मंत्र की तरह है। अगर आपका मंत्र सही है, आपका नाम सही है तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अगर आपका मंत्र सही नहीं है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद आप कई सारी विधाएं सीखें, कई सारी रेमेडीज करें, कई सारे पूजा पाठ करें, उसके बाद भी आपको रिजल्ट नेगेटिव भी मिलेगा। अगर आपका नाम सही है तो उसके साथ साथ सारे उपाय, सारे पूजा पाठ, सारी विधाएं आपके लिए सही हो जाएंगी, क्योंकि नाम आपका है और आप ही उपाय करते हैं। अगर आपका नाम सही नहीं है तो आप जो उपाय करते हैं वो सही नहीं जाते। सो उसके लिए आपको ज्वाइन करना है, सीखना है इस विधा को, उसके साथ साथ सबको अवेयर करना है कि जो मिथ फैला हुआ है कि ईच एंड एवरी कंपाउंड नंबर सही है, लेकिन क्या आपके लिए वो सही है वो जानना बहुत जरूरी है। जी मैम, एक अनुपम सिन्हा जी को मैंने लिया, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम आए हैं वेबिनार में। जी मैम। जी अनुपम जी, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। मैं अब क्लास नहीं अटेंड कर पाई, मैं बाहर थी। हाँ, मैं पूछ रही थी जैसे मेरी बेटी का मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है, तो वो लॉ फील्ड में जाना चाहती है, क्या वो कर सकती है? उसका नेम का नंबर आता है 8। डीओबी बताओ। हेलो, डीओबी उसका ऐसे, उसका 30/11/2029 तारीख के रात में 2:30 to 3:00 के बीच में हुई थी, तो उसको 29 माना जाएगा कि 30 माना जाएगा? 30 माना जाएगा, 30/11/2000 और डेस्टिनी 7 है। हाँ, नाम क्या है? ये 7 है। नाम क्या है? तो स्मृति प्राची। वो लॉ फील्ड में जाना चाहती है, वो एक्चुअली एडमिशन भी करा ली है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो मजिस्ट्रेट बनना चाहती है, तो क्या उसके लिए लाइन सही है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस। नाम ठीक है उसका? नाम तो 8 पे आ रहा है। नाम मुझे नहीं पता, मैं क्या नाम नहीं चेंज करती वेबिनार में, लेकिन अच्छा प्रोग्रेस है लाइफ में। नेम आप इसका 1 पे लेके जाओ, पर लॉ करना है तो हम 8 से भी रख सकते हैं। 8 का कंपाउंड बस देख लेना, 8 का हर कंपाउंड अच्छा नहीं है। अच्छा, 8 का कंपाउंड अच्छा नहीं है, तो कितने पे ले जाना पड़ेगा? 8 के कुछ ही कंपाउंड अच्छे हैं, पर लॉ के लिए हम 8 पे रख सकते हैं। 1 पर। अच्छा ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। एक गुरुमणि आती है, गुरुमणि आती है, वो आप उसको धारण कर लो। मुझे बोल रही है मैम? आप ही को बोल रही हूँ। गुरुमणि? हाँ जी। क्या होता है मुझे नहीं पता। मणि होती है उसके, ना उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जैसे 30 का 3 है, 30 के 3 वाले आप येलो सिट्रीन नहीं पहन सकते, तो हम उनको गुरुमणि पहनाते। वो मुझे नहीं पता क्या होता है। आप राहुल जी, आप इनको नंबर दे कॉन्टेक्ट कर लेंगे हमसे। जी जी जी, यहाँ पे चैट बॉक्स में एक नंबर शेयर किया जा रहा है कि जो कोई भी स्टूडेंट कुछ भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसके बारे में ऑर्डर करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे जरूर संपर्क करें। नंबर इज 9212175900। आई एम रिपीटिंग 9212175900। ऑलरेडी चैट बॉक्स में शेयर कर दिए गए हैं एवरीथिंग, मणि, ब्रेसलेट, पिरामिड, पेंडुलम, डाउजर, रुद्राक्ष, एसेंशियल ऑयल, यंत्रास, जेमस्टोन, क्रिस्टल्स, सब कुछ आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स एनर्जीफाई करने के बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है। जी मैम। जी ऋतु जी, बताइए। जी मैम, नमस्ते मैम।
मैम पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने इतनी सारी नॉलेज शेयर की हम लोगों के साथ. मैम मुझे ना अपने बेटे के लिए पूछना था, उसका डेट ऑफ बर्थ 19/3/2009 है, अक्षज भटनागर, AKSHHAJ, और मैम उसका कंडक्टर और ड्राइवर आता है 1 से. आपने अगर वेबिनार्स अटेंड करें तो आपको पता होगा कि SH की साउंड को आप वाइब्रेशन दे रहे हो. आपने बताया था जी, आपने बताया था कि वो मेडिकल कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, दवाइयों का रेमेडी भी बताई थी आपने कि वहाँ पे किसी हॉस्पिटल की कैंटीन में जाके कुछ खाओ तो अच्छा. रेमेडी तो हम तब करेंगे ना अगर सिंगल SH होगा, आपने एच को जो मल्टीप्लाई करा है उससे तो हेल्थ इशू और बढ़ेगा, रेमेडी भी वर्क नहीं करेगी. एक एच रिमूव करो पहले, वो मैंने SH की रेमेडी बताई है. हाँ वो मेरे मेरे छोटा बेटा श्रेष्ठ, उसके लिए बताई थी मैम, उसमें ना डबल SH आ रहा था, तो मैं यही पूछ रही थी आपसे कि मैम कौन से नंबर पे लेके आ सकती हूँ बड़े बेटे का नाम. कौन से नंबर पे लेके आ सकती हूँ तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा मास्टर नंबर है, ठीक है. अच्छा, लेकिन SH साउंड को वाइब्रेशन मत दो, मैं अभी के लिए आपको ये बता सकती हूँ. तो मैम दोनों एच हटा दूं ना, कुछ और करूं ना. हाँ दोनों हटा सकती हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो एक तो हटाओ. ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. अभिलाषा जी बोलिए. राइट मैम, ओम साईं राम. बहुत बहुत अच्छा लगा और मेरे को बहुत मन कर रहा है कि मैं इसे कंटिन्यू करूं, लेकिन मेरी क्लासेस क्रैश हो रही हैं, क्या करूं. नेक्स्ट टाइम कर लेना. मैम इसका ऐसा हो सकता है कि अभी मैं जो जो भी क्लास ले पाऊँ उसका वीडियो मिल जाए, मैं पेमेंट कर दूँ, मतलब जो आप बोलो, और उसके बाद नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो मैं उसमें जो रह जाएगा वो ज्वाइन कर दूँ, अगर अभी आप परमिशन दो तो. हाँ बिल्कुल कर सकते हो अभिलाषा जी, बहुत सारे लोग हमारी रिकॉर्डिंग से पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट बैच जब भी लाइव होता है तब ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते हो आप. ऐसे कर सकते हो, ठीक है. हाँ. मैंने इसी से कलर थेरेपी भी ज्वाइन की, उधर वास्तु कर रही थी तो हमारी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो आप. आप न्यूमरोलॉजी भी कर रहे हो तो आप कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भी अगर क्रोनोलॉजी करोगे तो आपको हाइक वाला जो होगा वो नहीं मिलेगा, आप प्रेजेंट वाला ही ज्वाइन कर सकते हो. ओके मैम, ओके. वो वही मैंने कल तनु जी से भी बात की थी तो वो कलर वाली भी निकल गई थी मेरी एक क्लास, लेकिन फिर मैंने कल पेमेंट की, मैंने बोला कि मेरे को इस समय तो वीडियोस दे दो, मैं आगे देखूंगी जैसे भी होगा मैम से परमिशन लेके. हाँ कोई बात नहीं, अगर हमारी वैसे क्लासेस हो रही है तो हम लाइव ज्वाइन कराएंगे, नेक्स्ट टाइम भी आपसे पैसा नहीं लेंगे दोबारा, डोंट वरी. ओके मैम, ओके, क्योंकि उनका 7:00 है और वास्तु का 7:30 है. 7:30 है, हाँ हाँ. तो हमारी क्लासेस अगर क्लैश होती है तो हम नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन करा देते हैं विदाउट चार्जिंग एनीथिंग, डोंट वरी. ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू. मोनिका जी बोलिए. हाँ जी मैम, कैसे हैं? नमस्ते मैम. नमस्ते नमस्ते जी, बोलिए बोलिए. मैम मैंने भी आपकी क्लास ज्वाइन करनी थी पर मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए मैं कर नहीं पा रही हूँ अभी. कोई बात नहीं, अभी तो जितनी 5 क्लासेस हुई है वो भी देख लोगे तो काफी कुछ समझ में आएगा. मैम आपकी क्लास हुई थी, मैंने देखी नहीं, मैं थोड़ा बिजी थी. कोई बात नहीं, देख लो, अभी तो अपलोडेड ही है यूट्यूब पे. हाँ जी हाँ जी, बोलिए मोनिका जी, क्या पूछना. मैम मेरे हस्बैंड के लिए पूछ रहा था, उनका बिजनेस नहीं चल रहा थोड़ा अभी. हाँ जी, बिजनेस नहीं चल रहा. ओके okay, अभी आज जो मैंने वीनस की रेमेडी दी है वो आप उनको शेयर करो. क्या नेम है उनका? नाम अमित है. अमित, और पूरा नेम? अमित कुमार. कुमार सर नेम तो अप डाउन देगा ही. अमित ही सर नेम भी भूल गया. अमित आगे क्या बोले? समझ में नहीं आ रहा. हीर, HEER. हीर, अच्छा, अमित हीर. फ्रॉड हुआ उनके साथ कोई? जी फ्रॉड हुआ कोई पैसे का? नहीं नहीं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस बिजनेस नहीं चल रहा, बस बिजनेस डाउन जा रहा. जो काम करते डाउन पे इनकम स्टक है या पैसा किसी को दिए वो वापस नहीं कर रहे, ऐसा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं.
देखो नेम तो इनका ठीक बैलेंस है, नेम में मुझे कोई इश्यू नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो बिजनेस प्रॉस्पेरिटी की एक रेमेडी मैंने लास्ट वेबिनार में दी थी, आज भी दे देती हूँ सबको, ठीक है, कोई भी उसको कर सकता है जी मैम। जिनको भी अपना बिजनेस चलवाना है पासपोर्ट साइज फोटो लो उस पर्सन की जी मैम, और उसके पीछे ये सिंबल बनाना, 1 2 3 एंड देन डू लॉन्च। जब भी आप ये सिंबल बनाओगे तो आपका पेन नहीं उठना चाहिए, दो डॉट्स बनेंगे, मैं सर्कल्स बना रही हूँ पर आपको डॉट्स बनानी है ताकि दिख जाए। ये बिजनेस कनेक्शन का सिंबल है, यानी कि आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे क्लाइंट्स। इसके अलावा एक पायरेट का क्लस्टर रखो नॉर्थ में शॉप के, ठीक है, ये सिंबल बना के इसको भी नॉर्थ में रख के इसके ऊपर एक पायरेट का क्लस्टर रख दो। मैम कौन सा क्रिस्टल? पाइराइट का क्लस्टर। अच्छा पाइराइट का क्लस्टर, वो मैम आपसे मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। तो कैसे ऑर्डर करना है उसको? नंबर अभी मोनिका जी राहुल जी ने शेयर किया था ना, आप उस नंबर पे कॉल करो, आपको जोन से भी साइज का चाहिए होगा, 2-3 साइजेस है हमारे पास, आपका जो भी बजट में होगा आपको उस पे वो ले लेना। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। राइट, so the number is 9212175900, already chat box में share कर दिया गया है, और जो students हमारे previous classes miss कर गए हैं यहाँ पे हमारा link share कर दिया गया है, तो वहां पे जाके आप सारे के सारे classes chronology के related आप देख सकते हैं। जी मैम, चलिए तो मिलते हैं फिर किसी webinar में। Take care everyone. God bless you all. May all your dreams come true. Right. Om Sai Ram. Stay blessed. Om Sai Ram. Om Sai Ram.